हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज खलीलाबाद संत कबीरनगर से हैं। हम फिजिक्स लैब में प्रयोग होने वाले उपकरणों के विषय में यहां पर चर्चा करेंगे। मैं अभिषेक कुमार सिंह, भौतिकी प्रवक्ता और इस लैब का इंचार्ज हूं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सौरभ सिंह फ्रॉम क्लास 12th B3। मायसेल्फ गोविंद उपाध्याय फ्रॉम क्लास 12th B3। मेरा नाम अंकित साहू है, क्लास 12th B3। एंड मायसेल्फ पतले यादव फ्रॉम क्लास 11th B3। ये वोल्ट मीटर है, इसकी सहायता से हम किसी लोड के सिरों के बीच का विभवांतर माप सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें एक ऊपर स्केल बनी हुई है, इस पर एक इंडिकेटर मूव करता है, ये 0 से 3 अंकित है इस पर। इसका मतलब अधिकतम हम इसकी सहायता से 3 वोल्ट माप सकते हैं। और इसका अल्पतमांक निकालने के लिए हम देखिए, यहाँ 0 से 0.5 के बीच में 10 खाने बने हुए हैं। इसका मतलब 10 खाने का मान 0.5 वोल्ट है, तो 1 खाने का मान 0.05 वोल्ट है। मतलब ये हुआ कि इसकी सहायता से 0.05 वोल्ट से कम का हम वोल्टेज माप नहीं सकते हैं। इसको हमेशा हम समांतर क्रम में यूज करते हैं। ये रेड हमेशा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है और ये जो ब्लैक है हमेशा निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। ये जो दूसरी डिवाइस हम लोगों के सामने है, इस पर कैपिटल ए लिखा हुआ है, ये अमीटर है। इसको हम श्रेणी क्रम में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक लाल इंडिकेटर है जो ऊपर एक स्केल बनी हुई है जिस पर मूव कर सकता है। यहाँ पर 0 से 1.5 अंकित है, इसका मतलब है कि अधिकतम 1.5 एम्पियर इसकी सहायता से मापा जा सकता है। क्योंकि 0 से 0.5 के बीच में 20 खाने बने हुए हैं, इसलिए 1 खाने का मान यहाँ पर 0.025 एम्पियर है। इसका अल्पतमान 0.025 एम्पियर है। ये हमेशा श्रेणी क्रम में इस्तेमाल होता है, इसकी सहायता से हम श्रेणी क्रम में बहने वाली धारा को। ये हम लोगों के सामने तीसरी जो इक्विपमेंट है, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रतिरोध का चिन्ह बना हुआ है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस तरह से अगर इधर आएंगे तो 20, 50 बना हुआ है। तो इसको हम परिपथ में श्रेणी क्रम में इस्तेमाल करते हैं। जिस की को हम अनप्लग कर देंगे, खोल देंगे, इसका मतलब परिपथ में वो प्रतिरोध लग जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने इसके साथ 1 निकाला है, तो अगर मैं 2 भी निकाल देता हूँ तो इसका मतलब है कि अब परिपथ में 2, 1, 3 ओम लग गया है। ये सेम चीज़ है जो मैंने अभी पहले दिखाया है, लेकिन इसमें हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओम लिखा हुआ है 18 ओम। ये रियोस्टैट है जिसको हम परिवर्ती प्रतिरोध भी कहते हैं। इसकी सहायता से हम 1 से 18 ओम के बीच का प्रतिरोध परिपथ में सेट कर सकते हैं। ये स्लाइडिंग जॉकी है, इसको हम ऊपर से सरकाते हैं तो प्रतिरोध धीरे धीरे बदलता है, 0 से लेकर 18 तक के प्रतिरोध परिवर्तित हो सकता है। ये हम लोगों के पास एक सेल है। सेल 2 तरह की होती है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। एक सेल ऐसी है जिसको आप यूज करके फेंक देते हैं, उसको प्राइमरी बोलते हैं या प्राथमिक सेल हिंदी में कहते हैं। तो ये प्राथमिक सेल है जिसको हम लेग्रांसी सेल कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये कार्बन का एक एनोड है, धनात्मक टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जिंक का कैथोड है, ये निगेटिव टर्मिनल है। और ये हम लोगों के पास एक पॉट है जिसमें पानी भरा हुआ है और पानी के अंदर अमोनियम क्लोराइड डाला गया है। जब हम इस कार्बन एनोड को इस तरह से डालते हैं और जिंक राड को इसमें लगा देते हैं, तो इसका मतलब हमारी सेल जनरेट हो गई है। अधिकतम हम 1.45 वोल्ट इसकी सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको करके दिखाते हैं, देखिए इसकी सहायता से वोल्टेज कैसे मेजर किया जाएगा। हम ये पॉजिटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के प्लस से जोड़ते हैं और निगेटिव टर्मिनल को हम वोल्ट मीटर के माइनस से जोड़ते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ वोल्ट मीटर में इंडिकेशन, वोल्ट मीटर में आप देखिए डिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया है। इसका मतलब इस समय इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, EMF है, वो 1 वोल्ट है। अगर ये सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं है, अगर मैं इसमें अमोनियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन डाल देता हूँ, तो अधिकतम इसकी सहायता से 1.45 वोल्ट मेजर किया जा सकता है। इसी तरह से अगर किसी परिपथ में धारा मापना हो तो हम ये रियोस्टैट को श्रेणी क्रम में परिपथ में जोड़ते हैं। देखिए ये बैटरी का धन टर्मिनल है, इसको हम क्योंकि प्रतिरोध में कोई धन ऋण नहीं होता है, इसलिए किसी भी टर्मिनल से जोड़ सकते हैं, इसमें से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर हम इसके माइनस को अमीटर के प्लस से जोड़ेंगे और अमीटर का जो निगेटिव है उसको रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे टर्मिनल से जोड़ देते हैं। अब अगर हम इसमें से प्रतिरोध निकालते हैं तो आप देखिए धारा का मान घटेगा, ये
ये एक ओम मैंने निकाला है, आप यहाँ देख सकते हैं ये एक ओम है। अगर मैं यहाँ से दो ओम निकालता हूँ तो धारा का मान और कम होगा। आप जानते हैं प्रतिरोध बढ़ने से धारा का मान घटता है, इसलिए वहाँ पर धारा का मान कम हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे हाथों में एक जैसे दिखने वाले दो लेंस हैं। आइए पता करते हैं इसमें से कौन उत्तल लेंस है और कौन अवतल है, या कौन कॉन्वेक्स है और कौन कॉनकेव है। तो मैंने एक लेंस इस तरह से पकड़ा हुआ है, हम इसको टच करेंगे ऊपर से बीच में आएंगे, ये हमको ऐसा फील हो रहा है कि बीच में मोटा हो रहा है, और फिर हम जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये पतला होता हुआ हमें प्रतीत हो रहा है। अगर ऐसा आपको प्रतीत हो टच करने पर बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है, तो इसका मतलब ये उत्तल। फिर मैं दूसरे लेंस को उठाता हूँ और आपको देखने में उसी तरह का लग रहा होगा। हम फिर से ऊपर से बीच की तरफ आते हैं, हमको ये पतला होता हुआ प्रतीत हो रहा है, फिर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमको ये मोटा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब ये बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है, तो इसको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। इसका सबसे मुख्य यूज़ जो हम जनरली देखते हैं आँख के चश्मे में दृश्य दोष निवारण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि किसी भी आदमी के चश्मे में यहाँ पर कट लगा हुआ है और एक लेंस नीचे आपको दिख रहा हो तो वो उत्तल लेंस होता है, और ऊपर वाला जो लेंस होता है वो अवतल लेंस होता है। इसी तरह से हमारे पास एक प्रिज्म है, इसको आपने देखा होगा, इसकी सहायता से हम सूर्य के सफ़ेद प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम बर्नियर कैलिपर्स है, इसको पियरे बर्नियर ने आविष्कार किया था। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें दो जबड़े हैं, वो जबड़ा नीचे की तरफ है और एक जबड़ा ऊपर की तरफ है। तो बर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम किसी भी गोली वस्तु का व्यास निकाल सकते हैं। अगर नीचे वाले जबड़े में इसको हम लगाते हैं, देखिए इस तरह से अगर आप सेट करते हैं इसको नीचे वाले जबड़े में, तो इससे बाहर का व्यास निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ढक्कन है, मैं इसका आंतरिक व्यास निकालना चाहता हूँ, तो इसको आप इस तरह से सेट करेंगे, आप ऐसे सेट कर दीजिए, इससे हम इसकी सहायता से बाह्य व्यास निकाल सकते हैं। एक आपको यहाँ पतली सी पत्ती दिखाई पड़ रही होगी जिसको मैं सरका रहा हूँ, तो ये नीचे की तरफ खिसक रही है, इसकी सहायता से हम किसी बर्तन की गहराई निकाल सकते हैं। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ नीचे की तरफ स्केल बनी हुई है जिसको हम मुख्य पैमाना कहते हैं, और ये यहाँ पर और नीचे आएंगे देखेंगे तो यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में अंकित है। अगर आप लंबाई सेंटीमीटर में मापना चाहते हैं या व्यास सेंटीमीटर में मापना चाहते हैं तो इसको पढ़ेंगे, अन्यथा आप इंच में मापना चाहते हैं तो इसको पढ़ेंगे। और इस पैमाने पर एक दूसरा पैमाना जो सरक रहा है उसको हम बर्नियर पैमाना कहते हैं, इस पर 10 खाने हैं। तो मुख्य पैमाने और बर्नियर पैमाने की सहायता से हम किसी वस्तु की लंबाई या किसी भी गोली वस्तु का व्यास निकालते हैं। चलिए, ये हम लोगों के सामने जो इक्विपमेंट दिख रहा है इसको हम लोग स्क्रू गेज कहते हैं। ये पेंच के सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ पर 25×1 mm लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके मुख्य पैमाने पर 25 खाने बने हुए हैं, और इसी मुख्य पैमाने पर इसको हम इस तरह से अगर घुमाते हैं तो एक गोल पैमाना घूमता है, इसको हम सर्कुलर स्केल कहते हैं या गोली पैमाना कहते हैं। और इस गोली पैमाने पर देखिए कुछ खाने बने हुए हैं और कुछ अंक भी लिखे हुए हैं। 90 के बाद देखिए 0 लिखा हुआ है, 90 के बाद चूँकि 10 खाने और हैं इसलिए हम इस पर कहेंगे कि 100 खाने बने हुए हैं। अब हम इसकी सहायता से किसी भी तार का व्यास नाप सकते हैं। ये दशमलव के 3 स्थान तक सेंटीमीटर में शुद्ध मान देती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सिक्का है, इसका मुझे मोटाई सिक्के की निकालनी है, तो सिक्के को इस तरह से रखेंगे और इसको घुमाएंगे, घुमाने के बाद इसको टाइट करेंगे, और जब देखिए इस तरह की आवाज़ आने लगे तो हम इसको टाइट करना बंद कर देंगे। उसके बाद हम मुख्य पैमाने और गोल पैमाने का पाठ पढ़कर इसकी मोटाई निकाल सकते हैं। ये हमारे पास स्टॉप वॉच है। जैसा आप जानते हो प्रतियोगिताओं में इसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, किसी प्रतियोगी को अगर कुछ टाइम दिया जाए बोलने के लिए तो उसके बाद उसको रोकना हो तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो देखिए चलती कैसे है, यहाँ पर देखिए एक इधर से नाव है और एक इधर से बनी हुई है, तो इसको जैसे ही हम ऊपर की तरफ खिसकाते हैं तो ये देखिए चलना प्रारंभ कर दिए। अगर मान लीजिए कुछ देर बाद हम इसे फिर से रोकना चाहते हैं तो हम इसको फिर से नीचे करेंगे। अब देखिए ये रुक गई होगी यहाँ पे। अगर आप